नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं। सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर राहुल का स्वागत इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सेम पित्रोदा और IOC के अन्य सदस्यों ने किया। सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में इमरजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके भारत जोड़ो यात्रा को भी रोकने का भरपूर प्रयास किया गया। राहुल, प्रवासियों से बात करते हुए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, वहां संदेश लगातार दोहराते हुए नजर आए। प्रवासी भारतीयों से बात करने से पहले राहुल ने अमेरिका के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एक्टिविस्ट शिक्षाविदों से बातचीत की। प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर भी तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोच सकता कि वो सबके बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें लगता है कि भगवान से ज्यादा वो जानते हैं। वो भगवान के सामने बैठकर उन्हें भी समझा सकते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। पीएम मोदी भी उनमें से एक ही हैं। राहुल ने कहा कि मुझे लगता है कि पीएम मोदी से कहा जाए कि वे भगवान के सामने बैठ जाएं तो भगवान को समझाने भी लगेंगे कि ब्रह्मांड में क्या चल रहा है। भगवान भी भ्रमित हो जाएंगे कि उन्होंने क्या बनाया है और भारत में यही चल रहा है। तो वी फाउंड दैट व्हेन एवरीबॉडी स्टार्टेड वॉकिंग टुगेदर कंप्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी स्टार्टेड कमिंग एंड आई नोटिस्ड that the government tried everything. मतलब जो भी उनमें ताकत थी उन्होंने यात्रा को रोकने में लगा दी, भी से उतार दिया, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर आज से भारत दौरे पर आ रहे हैं। प्रचंड 31 मई से 3 जून तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहने वाले हैं। वो दिसंबर 2022 में कार्यभार संभालने के बाद भारत की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर आ रहे हैं। प्रचंड के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा। नेपाल पीएम का भारत दौरा काफी अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि ड्रैगन की कूटनीति सहित कई समझौतों पर मुहर लग सकती है। यात्रा के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे। भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय साझेदारी के विविध क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ व्यापक बातचीत हो सकती है। अन्य भारतीय गणमान्य व्यक्ति नेपाल के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। गोंडा जिले में तरबगंज थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब शादी समारोह में शामिल होने आए पति पत्नी में आपसी कहासुनी को लेकर विवाद हो गया। देखते देखते विवाद इस कदर बढ़ गया कि पति ने पत्नी पर चाकू से कई वार करके पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। वहीं पत्नी की हत्या करने के बाद पति ने खुद को भी चाकू से कई बार गोदा, जिसकी गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोंडा का जिला अस्पताल है जहां पर उसे भर्ती कराया गया है। दरअसल दोनों की एक साल पहले ही शादी हुई थी। शादी होने के बाद दोनों पति पत्नी ससुराल में आयोजित शादी समारोह कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज प्रजापति ने बताया कि तरबगंज थाना क्षेत्र के सिसवा गांव में पति पत्नी के बीच आपसी कहासुनी हुई थी, जिसके बाद पति ने पत्नी पर चाकू से हमला करके अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें पत्नी की मौत हो गई। खुद को भी चाकू से कई बार वार किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद गोंडा में थाना तरबगंज में ग्राम सीसो, वहां पर 29 मई की शाम 4 बजे के करीब आरती अपने मायके में पति के साथ आई हुई थी, तो वहां पर पति पत्नी के बीच कुछ विवाद हुआ। इसी बात में पति ने जो है घर में रखे चाकू से ही अपनी पत्नी पे वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी, और पति ने बाद में अपने ऊपर भी चाकू मार लिया था। तो घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है, पति का इलाज चल रहा है। बदायूं में युवक की बेरहमी से पिटाई करने वाले दारोगा को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पहले लाइन हाजिर किया था, इसके बाद अब निलंबित कर दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्राधिकारी बिसौली को जांच सौंपी थी, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दारोगा को निलंबित किया था, जबकि पिटाई करने वाले दारोगा को पहले लाइन हाजिर किया गया, अब निलंबित इसे कर दिया गया है, जिसे पहले मुख्यमंत्री अखिलेश
यादव जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनका ट्वीट भी सामने आया था। दारोगा ने चौकी परिसर में बेरहमी से युवक को पट्टे से पीटा था। दारोगा का पट्टा से पिटाई करते हुए वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और इसके बाद एक के बाद एक कई ट्वीट आए, जिसके बाद उस पर एक्शन भी लिया गया। आपको बता दें कि बगरेन चौकी इंचार्ज सुशील कुमार बिश्नोई को निलंबित किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दारोगा को निलंबित करने के बाद अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को जांच सौंपी है। बदायूं के वजीरगंज थाना के अंतर्गत बगरेनी चौकी का ये पूरा मामला है। कल न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। ये कहा जा सकता है कि खबर का असर हुआ है। आपको बता दें कि बदायूं की ये तस्वीरें हैं जहां पर युवक की बेरहमी से पिटाई की गई थी। दारोगा ने युवक को बेरहमी से पीटा था, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पहले उसे लाइन हाजिर किया, लेकिन अब निलंबन की कार्रवाई कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्र अधिकारी बिसौली को जांच सौंपी थी। जांच के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दारोगा को निलंबित कर दिया, जबकि पिटाई करने वाले दारोगा को पहले लाइन हाजिर किया गया था, लेकिन अब उसका निलंबन कर दिया गया है। आपको बता दें कि यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी ट्वीट इस पूरे मामले पर सामने आया था। उन्होंने कड़ी निंदा की थी, जिसके बाद दारोगा ने चौकी परिसर में बेरहमी से युवक को पट्टे से पीटने वाले दारोगा को निलंबन कर दिया है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा था। बगरेन चौकी इंचार्ज सुशील कुमार बिश्नोई, जिनको निलंबन किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दारोगा को निलंबित करने के बाद अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को जांच सौंप दी है। पूरा मामला जो है वो बदायूं के वजीरगंज थाने के अंतर्गत बगरेन चौकी का बताया जा रहा है। दरअसल आपसी वाद को लेकर जो पीड़ित है वो चौकी इंचार्ज के पास पहुंचा था शिकायत कराने के लिए, लेकिन यहां पर दारोगा ने उसे पट्टे से पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद युवक ने सीधे तौर पर कहा कि आपने पैसे लिए हैं, इस वजह से आप इस तरह से मेरी पिटाई करें, आप मार लीजिए, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ और अब उस पर एक्शन भी लिया गया है। मैं चौकी इंचार्ज साहब के पास गया था, बगरेन चौकी गाँव से सिंह है। मैंने उनको बोला मेरे साथ में ऐसी ऐसी घटना हो सकती है, आपसी विवाद हो सकता है, कभी भी फैमिली में आपस में कभी भी हो सकता है, आप इसकी इंक्वायरी करिए। चौकी इंचार्ज साहब ने मेरी इंक्वायरी निकली और मुझे पीटना स्टार्ट कर दिया। मैं उनको बोला था देखो मैं ये बात सबको बोलूँगा, फिर मैं आकर मतलब कहते हैं घर पे आके बैठ गया। मामला क्योंकि अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट किया। आपको बता दें कि कल भी न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसका असर भी हुआ है, जिसके बाद विपक्ष भी इस खबर को लेकर लगातार ट्वीट करता हुआ नजर आया है। युवक की पिटाई के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। दरअसल दारोगा को पहले लाइन हाजिर किया गया था, अब उसका निलंबन कर दिया गया है। ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी विजय गौतम मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय, बदायूं का एक पूरा मामला है, इस खबर को न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ने भी प्रमुखता से दिखाया, आखिरकार इस पर एक्शन हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक पुलिस अपनी मनमानी करती रहेगी? जी ये मामला बदायूं जिले के बलियन क्षेत्र के चौकी बगरेन का है। यहाँ पर जो है एक भाई भाई में झगड़ा हुआ था, उसमें ये फरियाद दे गया था, तो वहाँ पे उसको पटों से पीटा गया था। हालांकि कप्तान ने उसे सस्पेंड कर, मतलब जो है पहले लाइन हाजिर किया था, उसके बाद में उसे सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन बात यह है कि ये पहले भी ये पैसों का मामला आया था, पैसे लेने के बाद में भी इनको पिटाई की गई थी। विजय, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक यूं जो दारोगा है इस तरह के आरोप उन पर लगते रहेंगे? कोई पहला मामला तो नहीं है, इससे पहले भी उत्तर प्रदेश से कई ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। अब यहाँ पर जो पुलिस अधीक्षक को जांच सौंपी गई है उस पर क्या कुछ कहना है पुलिस का? जी अभी इस मामले में अभी जांच जो है एसपीआरए को जांच सौंपी गई है, अभी इससे कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। एक चीज और है, इसमें जो है राजनीतिक दल भी सामने आए हुए है, उन्होंने अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करके इन्होंने विरोध जताया है, तो इधर भीम आर्मी वाले भी वहाँ गाँव में पहुंचे हैं, उन्होंने भी बात रखी थी, उन्होंने कहा था पिटाई की थी। उस युवक का क्या कुछ कहना है, कहाँ से विवाद पूरा शुरू हुआ? क्योंकि जानकारी ऐसी मिल रही थी कि आपसे विवाद था और इसकी शिकायत लेकर युवक पहुंचा था, लेकिन दारोगा उस पर बरस पड़े। जी बिल्कुल, ये जो है दोनों भाई भाइयों में झगड़ा हुआ था इन्होंने, और उन्होंने ये कहा था कि मेरे साथ से अनहोनी हो सकती है, इस संबंध में उन्होंने दारोगा जी से ये कहा था कि मेरे साथ अनहोनी हो सकती है, इस संबंध में आप एक्शन लीजिए। लेकिन दारोगा जी ने उसकी नहीं सुनी और उस पर पटे लेकर मारने को भिड़ गए।
चलिए ठीक है विजय, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट लगातार लेते रहेंगे। तो बदायूं का एक पूरा मामला है, मामला बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। युवक की पिटाई की गई थी दारोगा द्वारा, फिलहाल उसका निलंबन कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष लगातार इस पूरे मामले पर सवाल उठा रहा है। अमेठी में बुजुर्ग को घसीटकर थाने ले जाने का वीडियो वायरल हुआ। पैसे न देने पर घसीटकर थाने ले जाने का बेटे ने सिपाही पर आरोप लगाया है। अमेठी कोतवाली के सामने का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। बुजुर्ग के बेटे ने सिपाही पर 5,000 रुपए घूस मांगे और ना देने पर पिता को घसीटकर थाने ले जाने का आरोप लगाया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से जो सिपाही है वो बुजुर्ग को घसीट कर ले जाता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि इसी मामले को लेकर यहाँ पर शिकायत करने के लिए लोग पहुंचे थे, तभी उनसे रिश्वत मांगी गई, घूस मांगी गई, 5,000 रुपए अगर नहीं दिए तो फिर पिता को इस तरह से घसीटता हुआ सिपाही नजर आ रहा है। हमारे पिताजी को घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। हमारा टीना आज जबकि छप्पर था, हम अपना टीना छा लिए, उसके बाद 35 साल से आज हमारा टीना है। हमारे टीने में हमारे गांव प्रोग्राम था 3 दिन पहले, उसके बाद सभी लोग ने रास्ता बांध लिया, रास्ते में घास बांध दिया, बांस बांधने के बाद 100 नंबर गई खुलाई भी, उसके बाद गुड्डू सिपाही गए, हम अपना टीना हमारा बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं थाने से आऊँगा मैं, तुम्हारा टीना खींच के बाहर दूंगा थाना, अभी यहाँ बुला के लेके आए, बोले मैं चलो नहीं पकड़े डंडे से मारूंगा, पैसा मांग रहे हैं, 5,000 रुपए मांग रहे हैं, बोलते हैं 5,000 रुपए दो तो उसके बाद छोड़ेंगे, उन लोग से पैसा पा गए हमारा। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी विक्रम भदौरिया मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम, अमेठी का एक पूरा मामला है, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, आरोप लग रहा है कि सिपाही 5,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था, क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी, जिस तरह से बात की जाए अमेठी में पुलिसिंग की, तो लगातार कप्तान पुलिसिंग के लिए सख्त होते हुए नजर आते हैं, तो वहीं स्थानीय थानों पर लचर प्रणाली नजर आती है। वहीं बुजुर्ग को घसीट कर थाने ले जाने का वीडियो वायरल हुआ, आरोप है कि पैसा ना देने पर घसीट कर थाने ले जा रहे थे सिपाही। अमेठी कोतवाली का है पूरा मामला। बुजुर्ग के बेटे ने सिपाही पर 5,000 रुपए घूस मांगने का आरोप भी लगाया है। इस पर क्या एक्शन लिया गया है विक्रम? जी, जिस तरह से बात की जाए तो अमेठी पुलिस के ट्विटर हैंडल से लगातार जवाब दिया जा रहा है कि आपस में विवाद चल रहा था, उसको लेकर के निरोधात्मक कार्यवाही की गई है, अन्य आरोप असत्य हैं, इस पे कोई सरकारी बाइट नहीं जारी की गई। बिल्कुल विक्रम, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो अमेठी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बुजुर्ग को घसीट कर थाने जाने का वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ है। सिपाही पर आरोप लग रहा है कि विवाद को लेकर यहां पर एक शख्स पहुंचा था और शख्स ने पैसे नहीं दिए घूस मांगने पर, तो उसके पिता को यूं घसीटते हुए सिपाही ले जाता हुआ नजर आ रहा है। झांसी जिले के नवाबाद थाना क्षेत्र के करुआ मंदिर के पास बनी डिफेंस कॉलोनी के पार्क से एक मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर मंगलवार को दोपहर 1 बजे नवजात बच्चे का शव जो है वो शक विशक्त हालत में मिला, पार्क में मिला, जिससे वहां पर हड़कंप मच गया। बता दें कि स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉलोनी के गार्ड ने एक स्ट्रीट डॉग को नवजात बच्चे के शव को नाले से ले जाते हुए देखा, तो गार्ड ने इसकी सूचना कॉलोनी के लोगों को दी। कॉलोनी के स्थानीय लोग पार्क पर आ गए और देखा कि एक नवजात का शव पड़ा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि नवजात शिशु का जो शव था वो पूरा नहीं था, और पार्क में कैसे मिला, कैसे आया, इसकी जानकारी पुलिस को दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची है, नवजात के शव को अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। झांसी का एक पूरा मामला है। मैं डिफेंस कॉलोनी में रहता हूं। क्या देखा आपने? देखा अभी जो है कुत्ता जो है, मुझे गार्ड ने बताया कि कोई एक कुत्ता अपना कॉलोनी का जो है मुझसे आया नीचे से अपना नाले में से किसी बच्चे को जो है ना सब उठा के लेके आया है और ला के इधर जाली से वो अंदर कुत्ता घुसा और पार्क में छोड़ दिया है, तो उसके बाद में पुलिस को 112 को सूचना दिया, तो पुलिस आ गई है उधर, वो एक्शन कर रहे हैं। तो ये सब बच्चे का सब है? बच्चे का सब है ना। आप देख रहे हैं, आपको बता दें कि झांसी जिले के नवाबाद थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पर एक नवजात शिशु का शव मिला है। मेरे सहयोगी सुल्तान आप भी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करूंगी। सुल्तान, नवजात का शव कैसे यहां पहुंचा, क्या कुछ ये पूरा मामला है, पुलिस क्या कुछ कह रही है इस पूरे मामले पर? ये डिफेंस कॉलोनी का मामला है, वहां पे बताते हैं हॉस्पिटल बहुत है, मेडिकल के पास ये कॉलोनी है, लेकिन वहां सबसे बात ये है ये बच्चे नवजात बच्चे का शव आया कैसे, कहां लाया, चौकीदार द्वारा देखा गया जब उसको कुत्ते नोच रहे थे, बड़ा ही निर्दयी दृश्य था, लोग कह रहे हैं वहां ये बच्चा आया कैसे, इस तरीके की घटनाएं पूर्व में भी कई हो चुकी है, लेकिन पुलिस ने अभी इसका पछतावा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, पुलिस इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है।
केवल यही कह रही है कि इसमें जांच की जाए। सीसीटीवी फुटेज है जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि अगर कुत्ता भी इस शव को पार्क में लेकर पहुंचा है, बताया जा रहा है कि गार्ड ने देखा कि कुत्ता जो है नाले से शव को निकाल रहा है, तो नाले में भी नवजात शिशु का शव किसने फेंका, कहां से आया, इस बात की जानकारी क्या मिल पाई है? जी, इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है कि आखिर ये नवजात का शव आया कहां से। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आप नजर बना के रखेगा, अपडेट लगातार लेते रहेंगे। तो झांसी का एक पूरा मामला है जहां पर एक नवजात शिशु का आधा शव मिलने से हड़कंप मच गया है। पार्क में जब सुबह लोग पहुंचे तो वहां पर शव देखकर इसकी सूचना पुलिस को दी गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। वहीं झांसी के रायगढ़ में एक्सीडेंट में युवक की मौत के बाद क्षेत्रवासियों द्वारा वॉर्ड जस्टिस के बैनर तले कैंडल मार्च निकालकर गिरफ्तारी की मांग की गई है। ये वॉर्ड जस्टिस फॉर शिवम की तस्वीरें आप देख सकते हैं। गिरफ्तारी की मांग की गई है। आपको बता दें कि 22 मई को राजगढ़ निवासी 24 वर्षीय शिवम वर्मा अपनी बाइक से घर जा रहा था। जैसे ही वो राजगढ़ के क्ले विहार के पास पहुंचा, तभी इस तेज रफ्तार कार डिवाइडर क्रॉस करते हुए शिवम की बाइक से टकरा गई, जिसके चलते शिवम गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहीं परिजनों को जानकारी लगती है, परिजन द्वारा उसे इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज जाया गया। हालत में सुधार न होने के चलते परिजनों द्वारा उसे प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है और परिजन लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। झांसी में पत्रकार एकता संघ का 8वां स्थापना दिवस और हिंदी पत्रकारिता दिवस पत्रकार एकता संघ झांसी इकाई द्वारा राजकीय संग्रहालय के सभागार में संत श्री वैदेही शरण महाराज अयोध्या की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम के मुख्य अतिथि में संपन्न हुई। आपको बता दें कि आयोजन की शुरुआत ज्ञान के राधे देवी मां सरस्वती के पूजन अर्चन से की गई। मुख्य अतिथि पवन गौतम ने मीडिया को अपनी जिम्मेदारी निभाने और सभी को उसका सहयोग करने की बात कही है। अध्यक्षता करते हुए वैदेही शरण महाराज ने कहा कि मीडिया, समाज, शासन, प्रशासन एक दूसरे के पूरक है, इसलिए सभी को एक दूसरे का सहयोग करना होगा। डॉक्टर संदीप सरागी ने कहा कि पत्रकारों की अलग पहचान होनी चाहिए जिससे लोग उन्हें पहचान सके। देश के विकास में पत्रकारिता की अहम भूमिका रही है। आज जो भी देश के अंदर विकास की गति दिख रही है उसमें पत्रकारिता की अहम भूमिका है। पत्रकार समय समय पर सरकारों और उनके जनप्रतिनिधियों को कहां क्या जन कल्याणकारी कार्यों की आवश्यकता है उसे स्मरण कराते रहते हैं, जानकारी देते रहते हैं। पत्रकारों के द्वारा समाज हित में किए गए निस्वार्थ भाव से कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता। वहीं बात अगर हमीरपुर महोबा सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल की करें तो उन्होंने हिंदी पत्रकारिता दिवस पर जिला प्रेस क्लब और संयुक्त मीडिया क्लब के तत्वाधान में आयोजित शहर के तुलसी गेस्ट हाउस में आयोजित गोष्ठी को संबोधित करते हुए अपने उदार व्यक्तिगत किए। आपको बता दें कि आयोजित गोष्ठी को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि पत्रकारिता मुख्य रूप से समाज सेवा का कार्य है और विषम से विषम परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों से पत्रकार पीछे नहीं हटते हैं। उन्होंने कहा कि जंगल में आग लगती है तो साधु या सांप सभी झुलसते हैं। फर्रुखाबाद में पूर्व विधायक को एक और झटका लगा है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक विजय सिंह को 3 साल की सजा हुई है। कोर्ट ने 8 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। 9 साल बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 2014 में सिपाही की मौत के मामले में धारा 706 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। ब्रह्मदेव द्विवेदी हत्या मामले में सजा काट रहे पूर्व विधायक, फतेहगढ़ के एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। फर्रुखाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि एक के बाद एक पूर्व विधायक की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व विधायक एक और बड़ा झटका लगा। पूर्व विधायक विजय सिंह को 3 साल की सजा सुना दी गई है। कोर्ट ने 8 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। 9 साल बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। आपको बता दें कि 2014 में सिपाही की मौत के मामले में धारा 406 के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया था। ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्या मामले में भी सजा काट रहे हैं पूर्व विधायक। फतेहगढ़ के एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। 9 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं कासगंज में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लूट की घटनाओं में फरार चल रहे शातिर बदमाश अजीम कुरैशी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार तो एक बदमाश फरार हुआ है। मुठभेड़ में गिरफ्तार बदमाश के पैर में गोली लगी। कब्जे से एक अवैध तमंचा, 4 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस, चोरी की इको गाड़ी बरामद की गई है। गिरफ्तार बदमाश पर एटा कासगंज जनपद में करीब 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। घायल आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पटियाली कोतवाली क्षेत्र के कस्बा भरगेन का निवासी गिरफ्तार हुआ बदमाश अजीम कुरैशी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में एक साथी सफल रहा है। जेठरा थाना क्षेत्र के धूमरी का ये निवासी बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस की टीम को बड़ी सफलता जरूर हाथ लगी क्योंकि ये जो आरोपी है वो लगातार कई दिनों से वांछित चल रहा था। कई मुकदमे इस पर दर्ज है और इनामी आरोपी है।
अनामापुर क्षेत्र में जो घटना हुई है, क्या है पूरा मामला सर? प्रभारी निरीक्षक अमापुर को जरिए मुखबिर एक सूचना प्राप्त हुई है कि थाना क्षेत्र में आज कुछ बदमाशों का मूवमेंट है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक के द्वारा SOG टीम क्राइम ब्रांच की टीम को अवगत कराते हुए जिस क्षेत्र में मूवमेंट था वहां पर प्रॉपर चेकिंग के लिए अपनी फोर्स लगाई गई। इस दौरान बुढ़ूपुर मोड़ पर एक गाड़ी खड़ी हुई मिली, उसके साथ साथ जब पुलिस टीम हमारी पास में पहुंचती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला सशक्तिकरण को जहां एक और बढ़ावा देते नजर आ रहे हैं तो वहीं पर उन्नाव में पुलिस महिला सशक्तिकरण की धज्जियां उड़ाती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि अजगन कोतवाली के नवाबगंज चौकी इंचार्ज राजेश मिश्रा पर किशोरी और उसके माता पिता के साथ चौकी पर बुलाकर मारने पीटने का आरोप लगा है। किशोरी के फोन से किसी युवक के फोन पर गलती से कॉल चले जाने को लेकर पूरे परिवार को वर्दी के रौब में बैठे चौकी इंचार्ज ने तलब करके चौकी पर बुलाया और चौकी के अंदर माता पिता के साथ किशोरी को बेल्टों से मारने पीटने लगा। इसके बाद यहां पर धमकी तक दे डाली है कि तुमको जान से मार दिया जाएगा, जिसके बाद किशोरी ने चौकी से घर आने पर खुदकुशी कर ली और यहां पर अपने आप को मारने की कोशिश की गई। घर में मौजूदा परिजनों ने आनंद फानन निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराया, जहां से जिला अस्पताल उसे रेफर कर दिया गया है। जिला अस्पताल में कुछ देर इलाज होने के बाद किशोरी की हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टर ने कानपुर हेलेट अस्पताल रेफर कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पुलिस की प्रताड़ना से कब तक यूं ही मासूम लोगों की जान जाती रहेगी। उन्नाव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उनको बुलाए, चौकी में फोन किया, हम चले गए। कहने लगे अपनी लड़की को समझाते नहीं हो। हमको क्या समझाया साहब, एक लड़का खड़ा था और कल हमारे पास फोन करती इनकी लड़की। हमने कहा हम जानते नहीं कैसे कहा हो फोन में, यहाँ तो दिखा दे फोटो, तो देखो फोन इसमें आया है। तो हम साहब इसके बारे में जानते नहीं, उठे पांच छह झापड़ घसीटे लग तो साहब काहे मार रहे, मारो कौन गलती है, मार कौन गलती है साहब, और भी मारे लग। कल लड़की को बुला, अपनी लड़की को बुलाए। खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी विपिन शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं उन्नाव से। विपिन, एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि बीते दो दिनों से लगातार पुलिस पर आरोप लग रहे हैं प्रताड़ना के। एक बार फिर से उन्नाव से मामला सामने आ गया है। किशोरी पर यहां उन्हें मारा पीटा गया है, साथ ही साथ धमकाया भी गया है। आखिर वर्दी का रौब इतना क्यों? बिल्कुल, आपको बता दें कि पूरा मामला अजगैन कोतवाली क्षेत्र के नवाबगंज चौकी क्षेत्र का है, जहां पर किशोरी द्वारा अज्ञात युवक के पास मोबाइल फोन पर आ गया, किसी तरीके गलती से कॉल जाती है। उसके बाद जो चौकी इंचार्ज है और पीड़ित किशोरी और उसके परिजनों को चौकी पर बुलाते हैं, उसके बाद उसे वहां पर बेल्टों से मारपीट करते हैं, पिटाई के बाद उसके साथ उसको जान से मारने की धमकी तक दे डालते हैं। उसके आहत जो पीड़ित किशोरी है वो अपने घर पहुंचती है, उसके बाद वो अपने घर में पंखे से लटक कर जान देने की कोशिश करती है। इस पर एक्शन क्या लिया गया है? पुलिस पर आरोप लग रहे हैं, एक्शन क्या है? क्योंकि तस्वीरों में देख पा रही हूँ कुछ पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, महिला पुलिसकर्मी भी है। देखिए, पूरे मामले में जो पुलिस है वो जांच की बात कह रही है। हालांकि कप्तान ने पूरे मामले में सीओ हसनगंज को जांच सौंपी है, लेकिन मामला निकल के आ रहा है। जिस तरह से पुलिस से पिटाई का मामला आया है, तो पूरी तरीके से पुलिस जांच में पूरी तरीके से चौकी इंचार्ज को बचाने की कवायद में जुटी है। क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो हैरान करने वाली है, क्योंकि नवाबगंज चौकी इंचार्ज पर जिस तरह से आरोप लगे हैं चौकी में देखा जाए तो उन्नाव में पुलिस पर आरोप लगने का पहला मामला नहीं है। पुलिस पर उन्नाव में आरोप जो है वो 2017 से ही लगे आ रहे हैं, ये कहा जा सकता है? बिल्कुल, आपको बता दें कि उन्नाव पुलिस पर लगातार एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं, और ये आरोप भी इस बार नवाबगंज चौकी इंचार्ज पर लगे हैं, जहां पर पीड़ित किशोरी द्वारा एक युवक के पास व्हाट्सएप कॉल जाती है और व्हाट्सएप कॉल के चक्कर में उसे चौकी बुलाया जाता है, और चौकी बुलाने के बाद जो पुलिस वो चौकी इंचार्ज है वो पीड़ित के साथ मारपीट करते हैं, उसके परिजनों के साथ मारपीट करते हैं, उसके बाद आहत जो किशोरी है वो घर पहुंचती। इस पूरी खबर पर नजर बना के रखिएगा, अपडेट लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो अब पुलिस पर एक्शन किस तरह का होता है देखना होगा, क्योंकि इस तरह से किशोरी को पहले तो पुलिस थाने बुलाया गया, उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई है, जान से मारने की धमकी तक दे डाली है। हरदोई के मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में जानवरों की चहलकदमी है। जी हां, मरीजों और तीमारदारों के बीच आवारा जानवर
घूमते हुए नजर आ रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आवारा पशु वार्ड में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिला अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड का यह वीडियो है। सीतापुर में पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दरअसल यहां पर आरोप लगा है कि चार लोगों ने दो गूंगे बच्चों को मारा पीटा है। दरअसल दोनों मुकबधिर बच्चे जो हैं वो धूप से बचने के लिए पुल के नीचे बैठे थे, तभी वहां पर चार लोग आए जिन्होंने बच्चों से पूछताछ की। बच्चे नहीं बोल पाए, उन्होंने समझा कि कुछ बताना नहीं चाहते। किसी ने इस बात को लेकर उन लोगों से बच्चों की डंडों से पिटाई शुरू कर दी और बच्चों को रस्सी से बांध कर पीटना शुरू कर दिया। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और यहां पर बच्चों को छुड़ाया। वहीं पिटाई करने वाले मौके से भाग निकले हैं। पीड़ित पिता ने बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल पूरा मामला कोतवाली देहात इलाके का बताया जा रहा है। सीतापुर की तस्वीरें, जो मासूम बच्चे बोल नहीं सकते थे, उन बच्चों से जबरदस्ती पूछा गया और नहीं बोलने पर, क्योंकि वो बोल नहीं सकते थे, इस वजह से उन्हें डंडों से पीटा गया है, बंधक बनाया गया है। सर बताया साइकिल से दो जो दूसरा साथी था वो भी दिव्यांग था जी। तो वो लोग कहा कि ये हमको पुकारने की आवाज़ दिए हैं, जब हम बोल नहीं पाए हैं तब हमको मारा पीटा है और जो है ऊँचा पत्थर धर के दबाया है और रुमाल गला दाग के और रस्सी बांध के कह रहे हैं कि तुम चोर हो इसलिए नहीं बोल रहे जी। जो कि 100% विकलांग है हमारा बच्चा, और हमारा बच्चे का साथी जो स्कूल में पढ़ता था वो भी दोनों 100% विकलांग है। प्रयागराज से झूसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कनिहार गांव में सड़क किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी झूसी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची झूसी पुलिस ने जांच पड़ताल कर युवक की पहचान चिरंजीव बिंद पुत्र रामबिंद पुत्र उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम सराय हिनौता बताई है। आपको बता दें कि यहाँ एक ये बिजली मिस्त्री था और पुलिस ने परिजनों को सूचना देते हुए विधिक कार्रवाई करते हुए पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही रोते बिलखते परिजन भी मौके पर पहुंचे। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा रही, तरह तरह की चर्चाएं भी की जा रही है। गोंडा में भाजपा सांसद बृजभूषण चरण सिंह की आवाज पर तमाम समर्थक मौजूद नजर आए। बिश्नोहापुर आवास पर मौजूद थे तमाम समर्थक। समर्थकों से मुलाकात करते हुए सांसद नजर आए हैं। प्रयागराज से अधिवक्ता पहुंचे थे समर्थन के लिए। वकीलों ने बृजभूषण सिंह को निर्दोष बताया है। पत्रकारों के सवाल पर यहां पर सांसद कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए। बिश्नोहर से बाराबंकी रवाना हुए हैं सांसद बृजभूषण। फर्रुखाबाद में सपा प्रत्याशी ने निकाय चुनाव की सदर सीट पर दोबारा मतगणना को लेकर जिला जज से कोर्ट में एक याचिका दायर की है। दायर याचिका में सपा प्रत्याशी एकता सिंह ने अफसरों पर गलत मतगणना का आरोप लगाया है। नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद सीट से एकता सिंह ने सपा से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था। काफी हंगामे और बवाल के बीच बसपा प्रत्याशी से सपा प्रत्याशी को 2853 मतों से हराया था। वहीं दायर याचिका में सपा प्रत्याशी ने रिटर्निंग ऑफिसर धुरेन्द्र कुमार, निर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष वत्सल्या अग्रवाल, कांग्रेस प्रत्याशी मुमताज बेगम, राधा श्रीवास्तव से मुलाकात की है। महापौर प्रमिला पांडे की अध्यक्षता में नगर निगम कानपुर की पहली समीक्षा बैठक आहत की गई, जिसमें कानपुर नगर की महत्वपूर्ण समस्याओं को दृष्टिगत, नाला सफाई, अतिक्रमण, अवैध होर्डिंग और डोर टू डोर कूड़ा उठाने जैसे कार्यों की प्रगति पर समय विचार किया गया। आगामी वर्षा यानी कि बरसात के दृष्टिगत नाला सफाई का कार्य पूरा करने हुए कानपुर शहर में किया जा रहा है। इस कार्य की जांच के लिए महापौर द्वारा द्विस्तरीय कार्रवाई की गई है और नगर आयुक्त और मुख्य अभियंता को निर्देश भी दिया गया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।